नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी को फल बड़े प्यारे लगते हैं और फल स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। जनरली फलों के लिए हमें काफ़ी बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं, काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन बागवानी के नए नए आयाम, नई नई तकनीकियाँ, नए नए संसाधनों में थोड़ा सा चेंजिंग की है और वही चेंजिंग आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम पॉट में भी फ्रूट्स प्लांट लगा सकते हैं, तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने अमरूद को लगाया। ये हाइब्रिड अमरूद है और ये देखिए मेरे इस प्लांट पे अमरूद लगना शुरू हुए हैं। इसी वर्ष इस पर फ्लावर्स आए। ये ज़्यादा नहीं, 6 महीने पुराना पौधा है मेरे पास और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया शुरू हुई है। तो आज का मेरा जो वीडियो, मैं इसी ग्रोथ को आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुत से दोस्त जो आप सभी की क्वेरी आती हैं कि उनके प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने अपने लिए जो क्या किया वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रूट प्लांट को हम अपने पॉट में किस प्रकार से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और उसकी ग्रोथ को कैसे मेंटेन करें। आप पूछना चाहेंगे कि हम कौन से फ्लावर्स या फ्रूट प्लांट्स अपने पॉट में उगा सकते हैं, तो दोस्तों आज लगभग सभी जो फ्रूट प्लांट हैं वो एज ए बॉन्साई या फिर हाइब्रिड तौर पे पॉट में उगाए जा रहे हैं। अमरूद हो, आम हो, नींबू हो, चीकू हो, जामुन, बेर, बहुत सारे प्लांट्स, लगभग मैं समझता हूँ गार्डनिंग करने वाले लोग एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। तो उसका सबसे पहला, आपके पास क्या संसाधन होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि किसी भी फ्रूट प्लांट को उगाने के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो पॉट हो वो बड़ा पॉट होना चाहिए, तकरीबन 14 या 16 इंच। मेरा ये जो पॉट है दोस्तों, ये 14 इंच का है और मैंने इसे वर्गाकार की जगह गोल जो पॉट है वो लिया है। मेरे पास वर्गाकार भी पॉट हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके जो पॉट हों बड़े से बड़े पॉट होने चाहिए। और फ्रूट प्लांट के लिए दोस्तों मिट्टी कम से कम 1 से 1.5 फीट गहराई में होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास ये नींबू भी है और इस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कुछ नींबू भी आ गए हैं और ये चाइना लेमन है और ये मैंने अमरूद लगाया है, तो दोनों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो रही है। ये देखिए फ्लावर्स काफ़ी आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो, बेसिकली बस मैं इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपके अमरूद में, आपके जो लेमन लगाया है या फिर आपने चीकू लगाया है, सेब लगाया है, कोई भी फ्रूट प्लांट लगाया है, तो आप चाहते हैं उसकी ग्रोथ इतनी बढ़िया चले, नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएँ, तो सबसे पहली बात है मौसम। दोस्तों मार्च के बाद का जो मौसम होता है वो इन पौधों के लिए स्वर्ग का मौसम है, ग्रोथ का मौसम है। लेकिन उसके लिए हम अपने गमले में तैयारी करनी होगी, गमले की सॉइल में चेंजिंग करनी होगी। तो मेरा जो ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, ये आया है जैविक खाद की वजह से। आप देख पा रहे हैं ये गोबर खाद आपको दिख रही होगी, ये डीकम्पोस्ट नहीं है, ये जैविक खाद है। केवल 3 महीने वाली कच्ची खाद मैंने यूज की है और आमतौर पर मैं कच्ची खाद यूज करने की सलाह नहीं देता, लेकिन इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी कामयाब रहा। तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो मैंने खाद बनाई थी उसका, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। वही मैंने खाद इस गमले में लगाई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजिंग किया, वो देखिए वो क्या था। आप भी यही तरीका अपनाएं। नीचे की सतह मैंने कंकड़ों से भरी गमले की, उसके बाद थोड़ी मिट्टी और गोबर खाद तकरीबन 4 इंच मैंने बीच में रखी, उसके बाद साधारण मिट्टी और यहाँ मैंने अपना पौधा लगा दिया है। तो तकरीबन 1-2 महीने हमारा जो प्लांट है वो सुस्त अवस्था में रहता है, उसकी रूट स्टार्ट नहीं होती हैं। जब वो सेट हो जाता है दोस्तों, तो उसकी रूट और बढ़ना शुरू होती हैं। जैसे ही रूट उसकी बढ़ेंगी, हमारी जो मिट्टी ऊपर भरी है उसमें से निकल कर वो जैसे ही नीचे जाती हैं, वहाँ हमने गोबर खाद प्लांट की हुई है। आमतौर पे मैं आपको राय नहीं देता, लेकिन इस प्लांट में जो फ्रूट प्लांट है, मजबूत प्लांट होते हैं और तुरंत नहीं है, वो 1-2 महीने बाद ही उनकी जड़ें नीचे बढ़ना शुरू होंगी
और जैसे ही वो बढ़ेंगे वहाँ पर उनके लिए भोजन का भंडार रखा हुआ है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट, जो भी आप अवेलेबल आपके पास हो सके वो रखी हुई है। तो रूट्स को भरपूर मात्रा में एनर्जी यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। तो यही वो मेरा एक तरीका था जो इस पौधे को आप देख पा रहे हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो रही है, ये देखिए। तो आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा फास्ट ग्रोथ करे, अच्छे फल दे, इस पर काफ़ी फल लगे थे, मेरी बिटिया ने तोड़ लिए। अभी हम वेट कर रहे हैं और जो नए रूट्स आ रहे हैं, नए जो ब्रांच आ रहे हैं, क्षमा चाहूँगा, तो उन पर आगे अच्छे फल लगेंगे, क्योंकि पौधा जितना बढ़िया होगा, ब्रांचेस जितनी अच्छी होंगी, पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, और अगर ग्रोथ अच्छी होगी दोस्तों तो फिर फल भी अच्छे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी एक ट्रिक थी, केवल गमले में हम सॉइल का कॉम्बिनेशन क्या रखें, कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया नीचे कंकड़, उसके बाद सॉइल नॉर्मल अपने गार्डन की सॉइल की एक पतली सी तह, उसके बाद आपको बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या गोबर खाद की एक मोटी तह लगा देनी है, उसके बाद नॉर्मल सॉइल भर दीजिए और नॉर्मल सॉइल में आप फिर अपना प्लांट लगा दीजिए। इंतज़ार कीजिए, एक दो महीने आपका प्लांट नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। जैसे ही वो सेट होगा, उसकी जो जड़ें हैं नीचे जैसे ही आपके गोबर खाद में जाएंगी, पौधा बूस्ट हो जाएगा, एनर्जी बूस्टर उसे मिलेगा, और जैसे ही वो बूस्ट होगा आपके जो फल हैं, जो आपका जो प्लांट है वो बढ़िया ग्रोथ करेगा, सुपर ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मेरे ये नींबू का, अमरूद का ही नहीं, ये नींबू के प्लांट पर भी नई ब्रांचेस देखिए निकल रही हैं। तो आपने भी अगर ये पौधे लगाए हुए हैं गमले में फ्रूट्स के, नहीं लगाए तो लगा लीजिए, और अगर लगाए हुए हैं तो आप भी ये तरीका अपनाइए। मैंने ऊपर से अभी इनमें खाद बहुत कम दी है, नीचे के ही खाद इनमें काफ़ी है। तो थैंक्स दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें, जिससे और लोग भी इसे देख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आगे के बहुत सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।